सब तुम्हारी वजह से हुआ है मैं कंसान। मेरी वजह से नहीं, हमारे मुश्तरका दुश्मनों की वजह से। और कब तक नाकाम होगे गुर्दोगलो, कब तक? सुलेमान की दुश्मनी आसान नहीं, तुम्हारे बाबा अपनी जान दे चुके हैं इसमें। फिर ये समझो कि खेल तो अब शुरू हुआ है। वो जो लड़की आई है इज़ादोरा, वो किले से आई है, मुझे पहचान भी सकती है। सुलेमान उसका सामना करवाने के लिए मुझे किसी भी वक्त औताक में बुलवा सकता है। अगर ऐसी कोई सूरत हाल हुई तो हम दोनों की जिंदगी खतरे में होगी। तो अब क्या करेंगे हम? हमें पहले इज़ादोरा कमबख्त से जान छुड़ानी होगी शहनाज खातून। अगर उसने पहचान लिया? बोल नूरगुल, बता कैसे तोड़ा उन्होंने तुझे? दौलत दी है क्या? कोई ओहदा दिया है? क्या दिया है बोल। मेरा नाम है यहूदा, तुम्हें तबाह बर्बाद कर देंगे। उनके साथ कैसे मिल गया तू? हाँ बता आखिर कौन सी लालच दी उन्होंने? ले जाओ इस गद्दार को। बैठो हमजा। हाँ बताओ क्या हुआ, क्या रहा? सलीबियों में से कोई आया या चचा का कोई आदमी? नहीं भाई, ना ही सलीबी ना गुर्दोगलो, किसी के जवान नहीं आए। तो मतलब चचा गद्दार नहीं है? गद्दार होते तो अलाउद्दीन के कारवां पर हमला करने का मौका ना छोड़ते भाई। यकीनन वो बेगुनाह है, इंशाल्लाह सरदारी के लिए आपके सबसे बड़े हिमायती होंगे वो। गुर्दोगलो आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं ये तो सभी को मालूम है, वो गद्दार नहीं हो सकते। हाँ शुक्र है हमजा। तुझे कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? आंखें खोल दे, आंखें खोल दे, खोल दे आंखें, उठ जा पकी जा। बाबा को क्या जवाब दूंगी, क्या बताऊंगी कि उनकी गुड़िया की हिफाजत नहीं कर पाई मैं? सुलेमान के बेटे की वजह से हुआ ये सब, मुझे माफ कर दे बाबा। मैं आ सकता हूँ जनाब? आओ। सुलेमान शाह ने आपको औताक में तलब किया है। अच्छा जाओ मैं आ रहा हूं।
रोशनी के पास से आ रही हूँ।